बाबू है ना, आपको पढ़ा क्या रहा बाबू? अब ट्राइंगल हमने फिजिक्स में बाबू आपको बाबू मोशन पढ़ा दिया है ना भोला, उसके बाद आपको क्या पढ़ा है बाबू, आते न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? ट्राइंगल। क्या पढ़ेंगे? ट्राइंगल, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप बाबू जब से पैदा लोगे भोला, क्लास 3 से जो ट्राइंगल शुरू होता है भोला, है ना बाबू, क्लास 11 12 सब घड़ी पढ़ना रहेगा। ग्रेजुएशन में भी जाओगे, एमबीए करोगे, बीए करोगे, सब जगह ट्राइंगल लेते रहेगा, है ना, क्योंकि ट्राइंगल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो बचपन में बाबू टाइप्स ऑफ आप लोग ट्राइंगल पढ़े होंगे, है ना। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या ट्राइंगल के एंगल के बारे में पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? कंग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे कि कोई भी ट्राइंगल बाबू कंग्रेंट कब होगा नहीं होगा, यही सब पढ़ेंगे इसमें, है ना। ठीक सर। इसी कांग्रेस से हाँ मनु बाबू वीडियो ऑन करो जी, मनु शांति नहीं ऑन करो, बोले बंद करके नाटक के ले रहे तो मीटिंग रूम में डाल देंगे। तो ट्राइंगल होता क्या चीज है ना? तो ट्राइंगल कुछ नहीं है, तो बाबू तीन लाइन और लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ क्लोज फिगर, है ना। तीन लाइन चाहे लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ क्लोज फिगर को हम लोग क्या कहेंगे? ट्राइंगल कहेंगे। ट्राइंगल मतलब तीन एंगल, है ना भोला, ट्राइंगल। इसको तोड़ोगे तो कितना वर्ड से बना हुआ है? ट्राई प्लस कितना? एंगल, यही बना भोला। ट्राई मीन्स कितना होता है? तीन होता। एंगल मीन्स क्या होता है भोला? एंगल ही होगा, कोण होगा, मतलब तीन कोना वाला फिगर, एक कोना, दो कोना, तीन कोना, तीन कोना का क्लोज फिगर को हम लोग क्या कहेंगे? ट्राइंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्राइंगल कहेंगे, है ना। तो ट्राइंगल में वो हमको दो पार्ट पढ़ना, ट्राइंगल के एंगल के बारे में और उसका कंग्रेंसी के बारे में। दो गो ट्राइंगल कब कंग्रेंट होगा नहीं होगा वो सब हम लोग सीखेंगे, है ना। ठीक बाबू, शांति से समझते चलना, है ना बाबू। ठीक बोले, एक और ऑन करो ये आदित्य सैतान, आदित्य ऑन करो। ठीक, तो पहले हम लोग ट्राइंगल का बेसिक जानेंगे सर, उसके बाद उसमें एंगल, जैसे बाबू आपको पैरेलल लाइंस का एंगल, लाइन और एंगल्स पढ़ाए ना चैप्टर जी, तो लाइन एंगल्स पढ़ाए, तो 17 टाइप का एंगल पढ़ाए, वो सब सारा यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो ट्राइंगल किसको कहते हैं सर? कोई भी प्लेन फिगर बाबू जो तीन गो लाइन या लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर बन जाए, लाइन या लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ बाबू, है ना बाबू, एक प्लेन फिगर, तीन गो लाइन सेगमेंट या लाइन से घिरा हुआ एक प्लेन फिगर को क्या कहोगे? ट्राइंगल कहोगे। हमरा नहीं समझ में आया, लाइन और लाइन सेगमेंट आप लोग को तो पता है भी करेगा, लाइन लाइन किसको कहते हैं सर? वैसा बाबू भोला, जैसे मान लो एक इस तरह से, तो ये मेरा क्या है सर? लाइन है। इसको बाबू लाइन क्या होता भोला? है ना, पॉइंट ऑफ कलेक्शन, बहुत सारे पॉइंट को बाबू ज्वाइन कर दो, है ना, जिसको बाबू आप दोनों साइड, है ना, दोनों साइड इनफिनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हो। तो ऐसे को पॉइंट ऑफ कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। लाइन किसको कहते हैं? वो ए सेट ऑफ पॉइंट बाबू, उस बाबू एक्सटेंडेड बोथ साइड। एरो का मतलब क्या होता? इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, तो इसको लाइन कहते हैं। ठीक, लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं सर? इसी लाइन से बाबू छोटा सा टुकड़ा काट के निकाल दो, इसी लाइन सेगमेंट है ना, जितना इसे छोटा सा टुकड़ा कट करके निकाल दो, इतना इधर निकाल दो, ये निकाल दो, तो ये जो बाबू आपका बन गया, ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया। लाइने से बाबू छोटा सा पीस कट करके निकाल दो, यहाँ यहाँ कट कर दो, ये सब हटा दो, है ना। ठीक, तो अब ये क्या बन गया? लाइन सेगमेंट बन गया, है ना। तो ट्राइंगल किसको कहेंगे? या तो बाबू तीन गो लाइन रहे भोला, चाहे तीन गो लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ क्लोज फिगर। तो यहाँ पे समझना, जैसे ए बी सी है, तो एगो लाइन यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है, तो ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। कैसे सर? एरो वगैरह नहीं ना दिया बाबू, लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या होता है? फिक्स होता है, और बाबू लाइन का लेंथ दोनों साइड एक्सटेंड होता है। तो ये क्या, तीन गो लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज फिगर है ना, तो इसी क्लोज फिगर का नाम क्या होता है? ट्राइंगल होता है। क्या होता है? ट्राइंगल होता है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आता है। नेक्स्ट हो, ऐसे जल कहाँ भागी जी? आप ही का क्लास में उसे जल कूट देंगे पकड़ के, खाना पूर्ति कर रहा है जी, शैतान है। मैंने बाबू बहन से चल के अब बहन भाई को बैठा दिया कि जान मेरा बदले क्लास वा करो ना, यही होता है वीडियो बंद करने में, समझा? कौन बैठा ले नहीं बैठा ले पता नहीं चलता है। ठीक, तो ट्राइंगल किसको कहेंगे? तीन गो लाइन सेगमेंट को बाबू जोड़ के बाबू एक क्लोज फिगर कर देंगे, तो इसको क्या कहेंगे? ट्राइंगल कहेंगे।
या तीन वो लाइन ले लो, जैसे एक मेरा क्या हो गया सर, शांति से समझना, तीन वो लाइन ले लो। अब तीन वो लाइन क्या सर, लाइन क्या होता है जिसको दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे क्या हो गया, एक वो लाइन ये हो गया भोला, है ना, मान लेते लाइन ए बी है, नहीं हो सकता, ठीक सर, एक वो लाइन भोला है ना, शांति से समझना देती, एक वो लाइन ये हो गया है ना, ये भी दो गो लाइन हो गया, नहीं हो सकता, आए गो लाइन ऐसे हो गया है ना, तो ये तीनों लाइन से घिरा हुआ यही रीजन है ना भोला, तीनों लाइन से घिरा हुआ यह रीजन है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइंगल कहेंगे। तो ट्राइंगल का फॉर्मेशन तीन गो लाइन के द्वारा भी हो सकता है, तीन गो लाइन सेगमेंट के द्वारा भी हो सकता है। तो ये बेसिक बाबू आपको क्लियर होना चाहिए, बुक वगैरह में ये वाला फिगर बना देता है, ये वाला नहीं बनाता, तो लाइन को हम लोग तीन को मिला के भी ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक सर, ठीक बोला। नेक्स्ट, अब ट्रायंगल में बाबू जो बाबू बिंदु होता है, तीन को जो बाबू बिंदु होता है, कॉर्नर होता है, उसको क्या क्या कहते हैं, उसको समझना है ना, टच ठीक। तो जो ट्रायंगल का होता है स्वराज भोला मेरा, जैसे मान लो बाबू ये मेरा ट्रायंगल है, तो यहाँ पे एक कॉर्नर है, यहाँ पे एक कॉर्नर है भोला, और यहाँ पे, तो ये मैं ना बाबू, ये जो बाबू पॉइंट है ए बी सी, इसको वर्टिक्स कहेंगे, क्या कहेंगे, ट्रायंगल का क्या कहेंगे, वर्टिक्स कहेंगे, क्या कहेंगे, वर्टिक्स कहेंगे, है ना। तो सिंगुलर के लिए वर्टिक्स और तीन गो के लिए वर्टिसेस यूज करेंगे, प्लुरल क्या होगा, वर्टिसेस होगा। तो ट्रायंगल में कई गो वर्टिक्स, तीन गो वर्टिक्स, ठीक। यहाँ पे कोना बन रहा है, एक कोना, दो कोना, तीन कोना, तो एक कोना ये हो गया, इस कोना को क्या कहोगे, एंगल कहोगे, कोना को क्या कहोगे, एंगल कहोगे, तो ये वर्टिक्स ए के सामने एंगल ए हो गया, वर्टिक्स बी के सामने एंगल बी हो गया, वर्टिक्स सी के सामने एंगल सी हो गया, ठीक। एक बाबू जो ट्रायंगल फिगर बन रहा है भोला, ये वाला डंटवा बी सी डंटवा, इसको ट्रायंगल का क्या कहोगे, साइड कहोगे, सी है, ये ट्रायंगल का क्या होता है, साइड होता है, ये ट्रायंगल का क्या होता है, साइड होता है ना। तो ये बेसिक चीज आपको आना चाहिए है ना, जब भी चैप्टर शुरू करते हैं बाबू हम लोग कोशिश करते हैं आपको एकदम बेसिक से शुरू कर। तो ट्रायंगल क्या होता है सर, बता दिए बाबू कृतिका, तीन वो लाइन चाहे लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ क्लोज फिगर को ट्रायंगल का हो गया। ट्रायंगल में क्या होगा, तीन वो वर्टिक्स होगा, तीन वो एंगल होगा, तीन वो साइड होगा। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गया बाबू, ठीक सर। एरोस ने थोड़ा कैमरा डाउन करो बोले, अब आगे की कहानी, तो यही लिखल है साइड ए बी बी सी सी है, साइड है, एंगल से है, ट्राइंगल को शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इतना लिखेंगे, ट्राइंगल नहीं, इसी को छोटा फिगर ऐसे कहीं लिखल है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ट्राइंगल ए बी सी पढ़ेंगे, ये बड़का है ना स्वराज, तो ट्राइंगल को छोटका में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला, यही ट्राइंगल हो गया, छोटका कर दो, जूम है ना, इसको जूम आउट कर दो, जूम आउट करोगे छोटा होगा, जूम इन करोगे बड़ा करोगे, इसको धीरे धीरे छोटा कर दो, इतना वो फिगर आएगा। तो फिर ट्राइंगल को हम लोग इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी ये इसका आगे बाबू एबीसी लिखा लेते, इसको क्या पढ़ोगे, ट्रायंगल एबीसी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल एबीसी पढ़ेंगे, है ना। सर नेक्स्ट भोला, अब आगे की कहानी, आगे क्या बाबू, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है, क्या बोला, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है, ठीक। तो टाइप्स ऑफ जो ट्रायंगल है भोला है ना, तो ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन, ट्रायंगल में क्या है सर, दो गो एंगल है, दो गो साइड्स है, तो एंगल के आधार पे ट्रायंगल तीन गो, और साइड्स के भी आधार पे ट्रायंगल तीन गो है ना, तो ये सब बच्चा में आप लोग पढ़े होंगे, एंगल के आधार पर ट्रायंगल कई गो, तीन गो, ट्रायंगल में मेरा क्या है सर, एक एंगल ये, तीन गो एंगल है, तो एंगल के आधार पे ट्रायंगल तीन गो, कौन सा सर, पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना, मतलब जिसका हर एक एंगल 90 से क्या हो, छोटा हो, है ना, जिसका हर एक एंगल भोला 90 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या कहोगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहोगे, ठीक, ठीक सर। सेकेंड होता ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल किसको कहेंगे सर, जिसका बाबू एक गो एंगल, ऐसा कभी नहीं होगा, क्या नहीं होगा, जिसका एक एंगल बाबू 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो, जिसका कोई भी एक गो एंगल भोला कितना होना चाहिए, 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए, तो वैसे ट्रायंगल को क्या कहोगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे, ये वो एंगल जब भी होगा वो
किसी भी ट्रायंगल का एक ही गो एंगल ऑफ ट्यूज होगा। ऐसा जिंदगी में कभी नहीं होगा भोला कि किसी ट्रायंगल का दो गो एंगल ऑफ ट्यूज हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि बाबू ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, अगर दो गो बाबू एंगल को 90 से बड़ा कर देते हो तो 180 से ज्यादा हो जाएगा ना। मान लो 110 डिग्री, इसको 100 डिग्री कर दिया तो ये जोड़ी के बाबू 210 हो गया, है ना। और ट्राइंगल का बाबू यूनिवर्सल प्रूफ है भोला कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता। तो जिंदगी में कभी भी बाबू ट्राइंगल का दो गो एंगल ऑब्ट्यूज नहीं होगा। ट्राइंगल का बाबू जब भी एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा तो एक के गो एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा। अब बाकी दो गो एंगल क्या बनेगा बाबू मनीषा, है ना, एक्यूट एंगल बन जाएगा। बाकी दो गो क्या बनेगा? एक्यूट एंगल बनेगा, है ना। हाँ सर ठीक। तो ध्यान देना, एक्यूट एंगल ट्राइंगल किसको? जिस ट्रायंगल का एंगल भोला है ना हर एक एंगल 90 से छोटा होगा उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ठीक। एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसको होता है सर? जिसका एक वो एंगल 90 डिग्री हो जाए, जिसका एक एंगल क्या रहे 90 डिग्री रहे, तो उसको क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, है ना। ठीक सर। तो ये ट्रायंगल का क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे? जिसका एक एंगल कितना हो 90 डिग्री हो, उसको क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। इतना याद हो गया लक्ष्मी बाबू, स्वराज भोला, स्वर रोशनी, है ना। ठीक है। अब मान लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है भोला, तो बाकी दो एंगल क्या बनेगा? एक्यूट बनेगा कि ऑब्ट्यूज बनेगा? सोचना, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में रेस्ट ऑफ दो एंगल क्या होंगे? तो आप ही सोचो, एक एंगल 90 डिग्री, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों एंगलवा भोला डेफिनेटली क्या होगा? ये दोनों एंगल का सम 90 से कम होगा। सोचो, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालो। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, स्वराज 180 डिग्री, जरा में एक वो एंगल वा 90 हो ही गया, तो बचा कितना? 180 माइनस 90 कितना होगा? 90 होगा। मतलब ये दोनों एंगलवा को मिलकर कितना होगा? 90 होगा। तो ये दोनों एंगलवा मिलके 90 तभी ना होगा भोला जब ये दोनों 90 से कम होगा, है ना। ठीक। तो जब भी किसी ट्रायंगल में वो राइट एंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसके दोनों पर दोनों एंगल क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। जब भी कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा तो उसका दोनों का दोनों क्या एंगल होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। दोनों का दोनों एक्यूट एंगल होंगे, और एक्यूट एंगल में वो तीनों एंगल तो एक्यूट होबे करेगा, है ना। तो ये इतना बेसिक है। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हो गया बहु, एक्यूट एंगल, राइट एंगल आए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कि नहीं? ठीक सर। आगे साइड्स के आधार पे, साइड्स के आधार पे बहु ट्रायंगल कितना होता है भोला? तीन टाइप का, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल और बाबू एस्केलन ट्रायंगल। क्या होता है इसको समझो शांति से, है ना, शांति से समझते चलना, है ना। उसके बाद बाबू, है ना, तो अगर कोई पूछेगा बाबू मेरे कि क्या एगो ट्रायंगल एबीसी है, या दिया गया फिगर बाबू एबीसी है, मान लो ये 70 डिग्री है भोला, और ये 40 डिग्री है, और ये 50 डिग्री, तो क्या दिया गया फिगर इज दे बाबू, क्या दिया गया फिगर है ना, इन द गिवेन फिगर है ना, इन द गिवेन फिगर भोले, है ना, इन द गिवेन फिगर बोला, है ना, इन द गिवेन फिगर, पहला नंबर में गिवेन फिगर इज ए क्या है? ट्रायंगल है। गिवेन फिगर रेक्टेंगल है ना बाबू, ऐसे करके धोखा दिया जाएगा। रेक्टेंगल है, गिवेन फिगर क्या है? स्क्वायर है, और गिवेन फिगर क्या है? कुछ नहीं है। कराई फिगर आपको दिया हुआ है, तो ये फिगर ट्रायंगल है कि रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है? क्या होगा बाबू बता बाबू, मैंने नुस्खा दिया गया है जो नहीं ट्रायंगल है कि रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है बाबू, कि क्या होगा जी नुस्खा, बोलो बोली। ट्राइंगल, ट्राइंगल ट्रायंगल क्या होगा मनीषा? ट्रायंगल सिंपल क्या होगा कृतिका? ये दिया गया फिगर ट्रायंगल है कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है, क्या होगा वो कृतिका? ट्राइंगल ट्राइंगल ट्रायंगल बाबू क्या होगा? सेजल बोलो बाबू, जो दिया गया सर। क्या होगा? पाइथागोरस सेजल ट्रिपलेट से निकलेगा
अच्छा ठीक बताते ये दिया गया फिगर ट्राइंगल है कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है, क्या बोले बाबू सेजल बोलो ना जी। ट्राइंगल हाँ बोलो सराज बाबू। ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल नन होगा, ट्राइंगल का नन होगा, ट्राइंगल नहीं होगा। बाबू आप लोग ध्यान से पढ़ो, बोला जब हमको ट्राइंगल पूछना था तो काहे ले पूछते आपसे जी, हमको नहीं पता बाबू कि बचवा बाबू फोटवा देख कर ट्राइंगल लग रहा है ना, तो हाँ ऐसी लिख फिगर फिगरवा दे देगा और ऐसी रेक्टेंगल ट्राइंगल ऐसी करके चार को ऑप्शन देगा, मार देगा दम ट्राइंगल, मम्मी कहा के खुश, मम्मी बना दे ली क्वेश्चन मा है ना, यहाँ नीचे से जाके बच्चा के फेलियर के पीछे यही ना कारण होता बाबू, बच्चा फेल क्यों करता है आईआईटी एग्जाम बाबू कंपटीशन वाला में, स्कूल वाला में तो नहीं हो पढ़ोगे तो बाबू तो पास हो जाता है, स्कूल वाला तो क्वेश्चन लिख के देता है यही याद कर लेना है ना। देखो जी अभी आपको क्या बताएं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री होगा तभी ट्राइंगल होगा, 180 से ना 1 डिग्री कम और ना पॉइंट डिग्री ज्यादा, ना 19 कम ना 20 ज्यादा, किसी ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा तभी ट्राइंगल होगा, अदरवाइज ट्राइंगल जिंदगी में कभी ना होगा। तो टाइम पास करना था अपने स्कूल में फ्रेंड से पूछते रहना, तो तीनों एंगल का सम कितना 70 40 एक सौ कितना 110 50 160 है और आना जी, तीनों एंगल का सम कितना हो रहा है 160 हो रहा, तो किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 ना 180 से ज्यादा और ना 180 का पूरे 180 पक्के पुक्की 170.79.99 भी नहीं, एकदम 100% 180 है ना, तो तीनों एंगल का सम कितना 180 ना ज्यादा ना कम तभी ट्रायंगल का ना, अगर ज्यादा कम यदि ज्यादा कम है तब उसको ट्रायंगल नहीं कहेंगे, ट्रायंगल नहीं कहेंगे। हाँ जी बोलो जी। पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज कहाँ करता आएगा आएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज राइट एंगल ट्रायंगल में था सर। हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस इनटू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में, ठीक। तो ये क्या था बाबू बेसिक सा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था, बेसिक था, आईक्यू आप लोग का आईक्यू भी बहुत कमजोर है, पढ़ो ये लव से कॉन्फ्रियन करो। तो ये क्या था नेक्स्ट बोला टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ बाबू साइड है ना, ठीक सर। तो ट्रायंगल के साइड के बाबू आधार पे बोला ट्रायंगल तीन टाइप के, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, और बोला बाबू आपका इसोसेल्स ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर हो सपना ए बी सी, जिस ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर हो उसको क्या कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक सर है ना। नेक्स्ट आइसोसेल्स ट्रायंगल किसको कहेंगे, जिस ट्रायंगल का भोला दो गो साइड बराबर हो, जिस ट्रायंगल का दो गो साइड हालांकि ए बी सी मान लो ये दोनों साइड बराबर है तो ऐसे ट्रायंगल को क्या कहेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल कहेंगे, ठीक। स्केलन ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसका कोई भी बाबू साइड बराबर नहीं हो है ना, जिसका कोई भी भोला साइड बराबर नहीं हो उसको हम लोग क्या कहेंगे स्केलन ट्रायंगल कहेंगे, ए बी सी क्या है मेरा एक स्केलन ट्रायंगल है ना, तीनों साइड इक्वल आइसोसेल्स, दो साइड इक्वल है ना, तीनों साइड इक्वल इक्विलेटरल, दो साइड इक्वल आइसोसेल्स, कोई साइड इक्वल नहीं है ना स्केलन होगा, तो वही लिखा ले नो टू साइड आर इक्वल, दो गो साइड आइसोसेल्स है और दो गो साइड अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा स्केलन होगा, इस बात से सहमत हो, कोई ट्रायंगल है जिसका कोई दो गो साइड इक्वल है नॉट टू साइड इक्वल, नॉट टू साइड आर इक्वल, नॉट टू साइड्स आर इक्वल, तो दो गो अगर साइड इक्वल नहीं है तो क्या बनेगा वो आपका है ना आइसोसेल स्केलन बन जाएगा, इक्वल दो गो साइड या तो तीनों साइड इक्वल नहीं रहे, आप ही सोचो ना जिसका दो गो साइड इक्वल नहीं है, दो गो साइड इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली बाबू कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, अरे मेरा बोला जैसे मान लो छ है चार है छ है तो ये छ इक्वल हो गए दो गो साइड ना जी, तो इसको हम लोग ये स्केलन नहीं कहेंगे, दो गो साइड इक्वल नहीं होना चाहिए तो ये बाबू कोई भी दो गो साइड नहीं इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई दो गो इक्वल नहीं है ना, ठीक।
वही लिखा हुआ है, नो टू साइड्स आर इक्वल, थोड़ा सा बात को घुमा के लिख दिया गया। आप ऐसे भी बोल सकते हो बच्चा की तरह की कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, है ना। ठीक ठीक सर, तो ये मेरा क्या था बाबू, अस्केलन ट्रायंगल था। अब 1 लाख रुपया की बात याद रखना, कोई भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भोला तभी होगा जब किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बराबर होगा, तभी कहेंगे वह ट्रायंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। आप ठीक, जैसे बाबू क्या बोला कि मोनो वीडियो ऑन करो जी, बंद करके गुनगुनाते रहता है, मोनो वीडियो ऑन करो। ठीक, जैसे आपको जिंदगी में क्या कहेगा कि जैसे अभी आपको बताया वो कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा तभी ट्रायंगल होगा, अगर 180 से ज्यादा हो रहा है या 180 से कम हो रहा है, इतनी उसूल भी कम हो रहा है, निगेटिव में, माइनस में, पॉइंट में, जीरो जीरो में भी कम हो तो ट्रायंगल नहीं कहूंगा। उसी प्रकार वो साइड में क्या कहोगे, किसी भी ट्रायंगल को बाबू अगर दो साइड को जोड़ो तीसरा साइड से बड़ा आएगा तभी वह ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, है ना। जैसे आपको दे देगा भोला, मान लो बाबू इन द गिवेन फिगर भोला यही कह देगा, एगो 10 हो गया भोला, एगो बाबू कितना हो गया, ये 4 हो गया और ये मान लो 2 हो गया, है ना। ठीक सर, तो कहेगा इन द गिवेन फिगर बाबू, है ना, ए बी सी इन द गिवेन फिगर, इसको नहीं इसको नहीं इसके लिए, इन द गिवन फिगर बाबू ए बी सी इज बाबू, ए बी सी क्या पहला नंबर इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, पहला नंबर क्या बोलेगा बाबू, इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा नंबर आइसोसेल्स ट्राइंगल, है ना, आइसोसेल्स बोलो बोला ट्राइंगल, तीसरा नंबर क्या बोलेगा बोले, है ना बाबू, स्केलन बोल देगा, चौथा क्या बोल देगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोल देगा, चौथा क्या बोल देगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोल देगा, है ना, चौथा ऑब्ट्यूज बोल देगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। आ कभी कभी मन किया था पांचों का ऑप्शन दे देगा, पांचवा कह देगा ना, दिक्कत क्या, कहीं 4 को कहीं पांचवा ऑप्शन रहवे करता। तो बाबू मेरा क्या मारेगा, मल्टीपल चॉइस होगा बाबू, तो ये क्या है सर, तीनों साइड इक्वल नहीं है सर, तो ये स्केलन भी है, एंगलो 90 से ज्यादा, तो ऑब्ट्यूज भी है ना भोला। अब मान लो ऑब्ट्यूज अगर हटा दिया भोला, अब 5 4 नंबर में बाबू शांति समझना, क्या दे दे, नन दे दे, तो 99% बच्चा बाबू यही मारेगा, अस्केलन ट्रायंगल मारेगा। नहीं विश्वास होता था जाके किसी दोस्त से मरवाना, नहीं विश्वास होता भोला, है ना स्वराज, था जाके दोस्त से मरवाना कि एगो साइड 10 है, एगो 4 है, एगो 2 है, बताओ कौन सा ट्रायंगल है, डेफिनेटली करेगा अस्केलन ट्रायंगल है, कोई भी साइड अगर जानेगा तब ना जी, है ना, अब उसको अस्केलन ही नहीं पता होगा तो बेचारा क्या बताएगा, है ना, अगर उसको स्केलन ही पता नहीं हो तो नहीं बता पाएगा, है ना। ठीक, तो बाबू है ना बाबू, ठीक बोल, तो किसी भी ट्रायंगल का बाबू ये देखने में कैसा लग रहा है मनीषा, स्केलन जैसा लग रहा है, कोई भी तीनों साइड इक्वल नहीं ना है जी, तो उसको क्या कहोगे, स्केलन ट्रायंगल कहोगे, है ना। ठीक सर, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है, ये कोई सा भी ट्रायंगल नहीं है, कैसे सर, है ना, ऐसे बोला कि ट्राइंगल के बाबू किसी भी दो गो साइड का सम तीसरे से हमेशा बड़ा होगा, मतलब दो साइड का बाबू जो दो गो साइड होगा भोला उसका सम निकालोगे बाबू वह ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से, अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तभी ट्राइंगल कहेंगे, और नहीं फॉलो कर रहा दीदी तो उसको ट्राइंगल नहीं कहेंगे, जाके अपने दोस्त सर से स्कूल में पूछते बताओ कौन सा ट्राइंगल है, बोलेगा सर स्केलन, है ना, समझना। तो बाबू कोई भी दो गो साइड का सम करो, है ना, अगर तीसरा से बड़ा आ रहा है तो कहेंगे भोला कि बाबू आपका, है ना, ट्रायंगल बनेगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं कहेंगे, है ना। तो देखते हैं करके सर, दो गो साइड का जोड़ना है, 10 प्लस 4 जोड़ो, 10 प्लस 4, है ना, और ये दोनों जोड़ो 10 प्लस 4, अब बराबर कितना बाबू, इधर 2 है, तो ये बाबू क्या हो गया, 14 2 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, अरे दो साइड का सम बाबू तीसरे से बड़ा हो गया ना जी, तो मार दो स्केलन बाबू। तो आपको जितना केस होगा सब देखना, जितना केस होगा भोला सब देखना, है ना। ठीक सर, आगे सोचो, 10 प्लस 2 करो, ये दोनों साइडवा को जोड़ो बोला, 10 प्लस क्या करोगे, 2 करोगे, तो ये दोनों साइड जोड़ोगे तो 4 से बड़ा ही है सर, बात तो सही है बाबू, 12 ग्रेटर देन बड़ा हो गया करता, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा हो रहा है, ये दोनों का सम तीसरे से बड़ा हो रहा है। ठीक सर, अब ये दोनों को जोड़ो, 2 प्लस 4 ग्रेटर देन 10, बात सत है कि नहीं, असत जी, है सर,
ना, 2+4 10 से बड़ा तो नहीं है, ये दोनों को 10 से बड़ा नहीं ना, तो ये मेरा ट्राइंगल नहीं है, ये कोई सा ट्राइंगल है ही नहीं। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करो तो कंस्ट्रक्ट खुद भी नहीं करेगा, बस समझ में आता है। तो ट्राइंगल के लिए दो को एकदम लाख रुपए की बात याद रखना, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए और दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, किसी भी दो को साइड का। ये दोनों का सर देखो, ये दोनों का तो हो गया सर, तो ऐसा नहीं कर देना कि ट्राइंगल हो जाएगा। जितना केस होगा दीदी सब चेक करना, 10+2 चेक किए सर, 4 से बड़ा, हाँ सर, तो दुइये को चेक करके रह जाएगा तो है ना गड़बड़ा जाएगा। तीसरो चेक करो, 4+2 6, तीसरा से बड़ा हो गया, हाँ सर, ये तो नहीं हुआ, तो ये ट्राइंगल नहीं हो। बात समझ में आ, तो ये दो को कॉन्सेप्ट है लाख रुपए की, आपको याद रख, ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू है ना, आगे बोला अब प्रूफ करो भोला कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल और भोला 180 डिग्री। आपको प्रूफ करना बाबू, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर 180 डिग्री, कैसे प्रूफ करोगे? हो जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट बोला, क्वेश्चन बोला, यही आप लोग का थ्योरम भी रहता, प्रूफ डैट सम ऑफ, आसान है बाबू, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, आपको बोला भोला कि सारे ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। बात को प्रूव कर, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बाबू इज 180 डिग्री, कितना डिग्री इज 180 डिग्री है ना। कैसे प्रूफ करो, देखो इजी से भी आसान है, कैसे सर, ऐसे सर है ना। सॉल्यूशन बोला, एगो ट्रायंगल एबीसी बनाएंगे स्वराज, ए बी सी, ये एंगल को 1 मान लेते, ये एंगल को 2 मान लेते, ये एंगल को 3 मान लेते, कोई दिक्कत है तब बोलो। ए बी सी बोला जिसमें एंगल क्या हो गया, एंगल, ये एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, एंगल 3 हो गया है ना। देखो कैसे करोगे, इजी से भी आसान है ना बाबू, ठीक क्या देते, क्या कर रहा है जी, ठीक। नेक्स्ट बोला, देखो आराम से बाबू, तो प्रूफ करना बोला तो क्या करना बाबू, पहले समझा देते उसके बाद लिख लेना। इब साइड बीसी है, बीसी के पैरेलल एगो साइड ड्रा कर लो, इब बीसी है ना वो, तो ए वर्टिक्स ए से बाबू पास करता हुआ बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लो, कर लिए सर हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया बाबू, बीसी के पैरेलल है ना बाबू पॉइंट ए से जाता हुआ बोला एक, मान लो बाबू कितना ए बी सी डी ई एफ एक लाइन ज्वाइन कर, ये क्या किया एक लाइन पास किया है ना। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखे बाबू, बीसी के बाबू पैरेलल ईएफ एक लाइन हमने वर्टिक्स ए से जाता हुआ कंस्ट्रक्ट किया, ठीक से आगे समझना। तो हमको ये बताओ भोला, मेरा ई एंगलवा 2 है तो ये वाला एंगलवा कितना होगा, अगर ये एंगलवा बाबू बीसी ईएफ पैरेलल है, बोले आपको जितना भी 17 टाइप का एंगल पढ़ा है ना सारा आपको आना चाहिए, समझे मनीषा साहू, अम्मा बाबू कीर्तिका और बाबू भोले अनुष्का, 17 टाइप का एंगल किस दिन के लिए पढ़ाए थे, इसी दिन के लिए पढ़ाए, समझा लव शैतान असेजल है जिंदगी जी रही है। देखो अदिति तो क्या बोले बाबू, कंस्ट्रक्शन में बीसी का पैरेलल ईएफ एक लाइन कंस्ट्रक्ट किए, ठीक, चूंकि ईएफ पैरेलल क्या है बीसी है, क्या बोले, चूंकि ईएफ पैरेलल क्या है बीसी है, तो ये बताओ एंगल बा ई ए बी बराबर कितना हो जाएगा, कौन बोलेगा एंगल ई ए बी, ई वाला एंगल बा ई ए बी एंगल तो ये होगा एंगल, मतलब ई एंगल बा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ई एंगल बा एंगल वर्टिकली अपोजिट है, तो ये 2 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अरे मान लेते कुछ हो बोला 10, 20, 50, 60। नेक्स्ट बोला ये एंगल बा 3 है, ई एफ पैरेलल अदिति बीसी है, तो ये 3 है अदिति, तो यह एंगल बा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हो गया, हाँ सर बात तो हो गया, ठीक। अब जैसी आपको ई एफ क्या दिख रहा है बाबू स्वराज, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, क्या दिख रहा है ई एफ बाबू, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है स्वराज, ई एफ मेरा क्या दिख रहा है जी, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है,
तो स्ट्रेट लाइन पे बाबू है ना, सारे एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बचपन में ना पढ़ाए जी, EF एक स्ट्रेट लाइन है, तो दिस एंगल और दिस एंगल, इस तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? मतलब क्या भोला है ना, मतलब क्या बाबू? एंगल टू प्लस एंगल कितना? वन प्लस एंगल थ्री है ना, बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं? अरे ये स्ट्रेट लाइन है ना जी, 2 1 3, तो एंगल 2 1 3 क्या होगा? तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। हमको प्रूफ करना था जी, यही ना प्रूफ करना था, एंगल 1 2 3, हमको प्रूफ करना क्या था? दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल का सम 180। तो वही चीज वाली कर, इसको सरिया के लिख लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना? 180 डिग्री। पूछो था जी, पूछो था इसमें जी, बताओ। मजाक मजाक किया गया, कुछ नहीं, खाली करना। जब भी ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल के समय 180 डिग्री प्रूफ करना, एक ट्रायंगल एबीसी बना लेना, बीसी के पैरेलल ऊपर एक लाइन ड्रा कर लेना, ई एंगल वाई एंगल वाई इक्वल हो जाएगा, ये तीन ई हो तीन। अब ये तीनों एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। जब ये तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा भोला, तो यही तीनों क्या आ जाएगा है ना, 1 2 3, तो अंदर वाला वही ना 1 2 3 है जी। तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, 1 2 3 क्या, अल्टीमेटली एंगल 1 यहाँ पे, एंगल 2 यहाँ, एंगल 3 यहाँ, तो ये तीनों एंगल है ना, ये तीनों क्या है, ट्रायंगल के एंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या हो गया, सम 180 हो गया। यही चीज को प्रूफ करना था, और थोड़ी कोई रॉकेट साइंस करना था है ना। नेक्स्ट बोला देखा बाबू और है ना, गिवन एबीसी हमको ट्रायंगल दिया हुआ, लिखेंगे बोला, गिवन डेट एबीसी इज ए ट्रायंगल, ए बी सी इज ए ट्रायंगल दिया हुआ है ना, ठीक। तो वी हैव टू प्रूफ क्या, एंगल 1 2 ले सकते हो, या बाबू क्या एंगल 1 BC भी कर सकते हैं। वी हैव टू प्रूफ बोला एंगल क्या, 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना? 180 डिग्री है ना, ठीक से हमको ये प्रूफ करना, वी हैव टू प्रूफ बोला। ए अदिति, डाटा बच रहा बाबू? अदिति यस सर। बाबू आ रात तक तो फिर डाटा खत्म कर देगा जी, कंस्ट्रक्शन। यस सर, खत्म हो जाएगा। कुछ ही देखता है जी, जब खत्म हो जाएगा जी। वो सुबह इसको जो भी खेलना था देखना था सब लोग देख लिया सर, हम लोग सब मिलके, और अब सर क्लास करते करते तब उसका क्लास फिर ना थी होगा जी। ड्रा बाबू बीसी हो जाएगा है, क्या करेंगे, बीसी का पैरेलल ईएफ ड्रा करेंगे, है ना, ड्रा बीसी पैरेलल ईएफ बोला, प्रूफ बोला, एंगल ईएएफ ईएबी बोला, एंगल ईएबी बराबर कितना, एंगल बी या एंगल टू कर सकते हो, कैसे सर है ना, वर्टिकली या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से है ना, ये तीन, ये भी तीन, एंगल कौन सा एफ ए सी बराबर कितना, एंगल 3 सर, ये भी वही बात है बोला, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ई एफ इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ई ए एफ इज अ स्ट्रेट लाइन, क्या बोला, एक स्ट्रेट लाइन है, EF इज क्या स्ट्रेट लाइन है, इसलिए बोला है ना, एंगल 2 1 3 कितना होगा, इसलिए एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री है ना बोला। तो एंगल इस तरह लिख लो, 1 2 3 बराबर कितना, 180 डिग्री।
ये कैसे हुआ सर? है ना, बोला एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनते हैं? 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन ऑलवेज फॉर्म 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन बाबू, सम ऑफ ऑल एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज कितना बाबू? 180 डिग्री, है ना? ठीक बाबू, इसी कारण ये लिखे। ठीक, अब एंगल 1 2 3 है क्या सर? यही चीज प्रूफ करना था तो हो गया। मजाक मजाक है बोला, और कुछ नहीं इसमें, यही आपको प्रूफ हो गया। इसीलिए वो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसलिए बोला सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल वन एट्टी डिग्री। तो यही तो करना था, मजाक मजाक में थोड़ी कुछ करना था। लिखो भोला, नेक्स्ट बाबू, एक दो गो ललित पॉप वाला क्वेश्चन स्वराज। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट ए ट्रायंगल? कौन से डाटा ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा नहीं होगा? देखो दीदी, लव बाबू ए शांतनी कहा बोले, फिर लाइन लेंथ बिगड़ गई जी शांतनी। नहीं सर, बोले आप कभी बोलिएगा बाबू, अपन दैया कोई खट्टा कहता जी। सर देखो घर बोले, पे लाइट नहीं है। हाँ तो वीडियो ऑन कर लो ना, दिक्कत क्या? तो नहीं लिखी होगी कुछ जी? नहीं सर, पहला पेज का लिखी हूँ, अभी का नहीं लिख पाई, घर पे लाइट नहीं है तो कैसे लिखूंगी खिड़की है, खिड़की खोल लो। सर, पूरा अंधेरा है ना है। नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन नंबर 1 बाबू। बीच ऑफ द बाबू, बीच ऑफ द फॉलोइंग, बीच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म अ ट्राइंगल? कैन कौन सा बाबू, कौन है ना, कैन फॉर्म अ ट्राइंगल? जैसे क्या सर? 1 नंबर, 10 सेंटीमीटर लेंथ दिया हुआ है साइड, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक सर। 2 नंबर, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ। कौन सा ट्रायंगल पॉसिबल है और नहीं है? सोचा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया, बोला एक 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जाएगा 4 नंबर, 3 सेंटीमीटर बोला, 9 सेंटीमीटर बोला और 5 मीटर बोला। खुद करना है, कौन सा ट्रायंगल बनेगा स्वराजा? नहीं बनेगा, नहीं करके भेजा स्वराज तो कूटेंगे। इस सबसे ताने को होमवर्क बना के नहीं भेजता। 70 डिग्री, 80 डिग्री और 30 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। अगर दो साइड का सम करके इक्वल आ जाए तो बोला, सोचो। सुना नहीं बाबू बात? नहीं होगा, बोलते तो जखनी सुनबे नहीं करता वो। कैसे आईआईटी के लिए जब एग्जाम, जब मेडिकल डॉक्टर बनोगे ना तो वहां पे दम बको ध्यानम करना पड़ता है, कौन सा पॉइंट छूट जाता पता नहीं चलेगा। पहला होगा तो दूसरा भी होगा, पहला नहीं ना होगा।
ऐसे तो नहीं होगा, अपना बना के भेजिए, नहीं होगा अच्छे ले लें। मुझे इक्वल है तो नहीं 79 डिग्री इतना ही है। देखो इसमें आपको टिक मारना है कौन सा ट्रायंगल होगा कौन सा नहीं होगा, ट्रायंगल फॉर्म, ट्रायंगल नॉट फॉर्म, ट्रायंगल फॉर्म नॉर्मल। बाबू किसी बच्चा से पूछोगे तो देखे से लग रहा है ट्रायंगल हो जाएगा। गुड इवनिंग सर। सब पार के देखने पार के देख कभी नहीं बनेगा चिपकेगा जो हो जाएगा जो नहीं।